हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाग यानी कि डिवीजन के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। यहां पे 256 यानी कि 256 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहां पे 256 लिख लेंगे ऐसे और यहां पे 2 लिख लेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे 256 को, तो यहां पे देखिए 2 का टेबल लगाएंगे पहले इस 2 में, तो 2 बन जा 2 होता है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, 2 यहां पे लिख देंगे, लाइन खींचेंगे ऐसे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, करेंगे सब्ट्रैक्ट, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस 5 को यहाँ पे उतार लेंगे, उतार लिया। अब 5 क्योंकि 2 से बड़ा है तो टेबल लग जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 टाइम्स लगाएंगे तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स लगाएंगे, 2 2 जा 4। टेबल हमेशा है तो इसके इक्वल या इससे कम लगाना होता है, ज़्यादा लगा देंगे तो घटाने में दिक्कत होगी, इसलिए हमेशा इक्वल या इससे बराबर या इससे कम बार, तो 2 2 जा 4 होता है, तो 4 यहाँ पे लिख लिया, माइनस किया, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इस 6 को यहाँ पे उतार लेंगे, अब 2 का टेबल लगाएंगे 16 में, तो 2 8 जा 16 होता है, 8 बार लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 16, यहाँ थोड़ी जगह कम है दोस्तों, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, पूरा पूरा कट गया, हमारा रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा 0, आंसर आ गया हमारा 128 यानी कि 128 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 362 को डिवाइड करना है 2 से, अब यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 3 है जो कि 2 से बड़ा है, यानी कि 3 में टेबल लग जाएगा, कितने में लगेगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम लगाएंगे, 2 बन जा 2 होता है, माइनस कर देंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे 6 को कॉपी करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब जो है 2 का टेबल लगाएंगे 16 में, 2 8 जा 16 होता है, तो 8 यहाँ पर लिखा और 16 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस कर देंगे तो जाएगा 0, 0 बचेगा। अब इस 2 को यहाँ पे उतार लेंगे, 2 बन जा 2, माइनस कर देंगे 0 बचेगा, तो हमारा जो है रिमाइंडर हो गया 0 और क्वेश्चन आ गया हमारा 181 यानी कि 181। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 846 को डिवाइड करना है 2 से, तो 846 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 846 ऐसे। अब 8 में लगाएंगे 2 का टेबल, क्योंकि 8 जो है 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 4 टाइम लगेगा, लिख दिया यहाँ पे, 8 में से जाएगा 0, इस 4 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। अब इस 6 को यहाँ पे उतार लेंगे, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर हमारा 423 यानी कि 423 हमारा हो गया आंसर फाइनली। नेक्स्ट है 969 डिवाइड बाय 3, तो 9 चूंकि यहाँ पे बड़ा है 3 से, तो 3 इसका टेबल्स में लग जाएगा, 3 3 जा 9। अब इस 6 को यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 0 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 6 का 6 में लगाएंगे टेबल 3 का, 3 2 जा 6, 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा, और इस 9 को यहाँ पे उतार लेंगे, 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर हो गया जाएगा 323 यानी कि 323। अगला क्वेश्चन है 25 को डिवाइड करना है 5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 ऐसे। अब क्योंकि 2 में टेबल 5 पर नहीं लगेगा क्योंकि 2 छोटा है, तो पूरे 25 में टेबल लगाएंगे 5 पर, तो 5 5 जा 25 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ही, माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5। अगला 72 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 का टेबल लगाएंगे 72 में, तो 8 9 जा 72 होता है,
00, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। दोस्तों इस प्रकार से डिवीजन यानी कि भाग के सवाल मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी लिख दीजिए, आपके निश्चित रूप से हेल्प की जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका लिंक सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।